सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी का अज गुरगद्दी दिवस है। इस करके असी कुछ समा विचार दे नाल जुड़ांगे। साढ़े साहित दे विच एक गल आती है, कहिंदे ने कि एक बार गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी जो करतारपुर दे विच रह रहे सी, ते उस वेले भाई लहणा जां होर जिहड़े सिख सी महाराज जी दे, उह सारे करतारपुर दे विच रह के ते सेवा करदे हुंदे सी, ते सतगुरु वक्खरे वक्खरे कौतक वरता दिंदे हुंदे सी। कदी कोई खेड कर देणी, कदी कोई खेड कर देणी, ते उहदे विच महाराज कहिंदे ने भी एक वार ना सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने अपने जिहड़े कपड़े सी वो बड़े वक्रे तरीके दे पा ले। इदां समझ लईए भी हाथ दे विच एक दातर लैके, जिहड़े शिकारियां वाले कपड़े हुंदे ने तुसीं किते वेखे होणगे जे किते, ते बिल्कुल वो वक्रे जे तरीके दे कपड़े हुंदे ने उहनां दे, वह महाराज ने कहिंदे पहन ले, ते जेब दे विच कुझ ना सिक्के पा ले महाराज ने, ते वह सतगुरु तुर पए। हुण महाराज तुरे ने ते संगत ते पिछे तुरेगी तुरेगी, भी गुरु नानक साहिब जा रहे ते आपां नाल ते जाणा ही है। संगत महाराज तुरी जाते हैं, संगत पिछे पिछे तुरी जाती है, तो कई तो इस गल तो हैरान भी ने भी महाराज नूं की हो गया, भी अज वखरे रूप दे विच आ गए ने, अगे तो कदी इदां दे वेख्या ही नहीं, अज की हो गया। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे ने जदों तुरे जा रहे हैं भी भाई हट जाओ पिछे, तुसीं अगे नहीं आना, फिर भी तुरी जाते हैं, भी नहीं चलो महाराज जाते हैं आपां नूं नाल जाना चाहिए। वो कहिंदे सतगुरु ने ना जेब दे विचों वो जिहड़े सिक्के सी ना वो कढ के सुट दिते, तो कई सिक्के चुगन लग पे। हुण कई जिहड़े सिक्के चुगदे ने महाराज अगे तुरी जांदे ने, वो जिहड़े सिक्के चुगन लग पे वो पिछे रह गए, जिहड़े बाकी जिन्होंने सिक्के छड्ड दिते गांह गांह तुरी गए भी चलो असीं सिक्के नहीं चुगणे आपां महाराज दे नाल ही जाणा। इदां कईआं दी दौड़ सिक्कियां तक रह जांदी है ना, भी सिक्के चुग लईए महाराज कि कोई नहीं अगे चल गए, तो फिर की है सिक्के ज़्यादा जरूरी ने जो असीं हुणी पढ़ के हटे। वो अगे चल गए, जदों होर अगे गए तो महाराज जी ने फिर एक बार गल की, तो महाराज जी ने जो बाकी सिक्के सुटे तो फिर वह भी उधर भी चुगण लग पे, तो कहिंदे हौली हौली ना सिर्फ तीन क जाने रह गए महाराज के नाल, तीन जाने रह गए। उन्हां तिना दे विचों भी महाराज ने जिहड़े दो सिख सी ना वो जो भेज दिते ना, तो सिर्फ एक सिख उत्थे रह गया, तो वह सिख सी भाई लहणा। तो महाराज जी ने पुछया भी भाई सारी दुनिया चल गई है, तुही नहीं अपने घर जाना, भी जिन्हां नूं मैं कहा से भी अपने घर मुड़ जाओ सारे तो मुड़ गए ने, तुसीं नहीं अपने घर जाना। तो अगों बाबा लहणा कहिंदे सच्चे पातशाह जी का जिथे घर सी वो तो उत्थे चल गया, मेरा तो घर भी तेरा घर ही है, मैं हुण कित्थे जावां, मेरा घर जिहड़ा है ना वो हुण तेरा घर ही बन गया है, इस करके मैं हुण तेरे घर दे विच हाँ, मैं होर कित्थे जावां। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहिंदे बस जे मेरा घर तेरा घर है ना, तो मैं भी घर ही लभदा पिया सी भी मैं कित्थे आके टिकना है, हुण मैं तेरे घर दे विच आके टिक जावांगा, मैं तेरे कोल आके टिक जावांगा। तो मैं बेनती कर देवां साडे देश दे इतिहास दे विच जां मिथिहास दे विच इह गल ते तुहानूं बड़ी वार लभ जाएगी भी भाई दक्षिणा दे नाम दे उत्ते गुरु की कुछ मंग लैंदे ने, पर तुहानूं इह नहीं लभेगा भी गुरु एक दिन अपने चेले दे अगे मत्था टेक लैंदा है। गुरु अंगद साहब महाराज गुरु नानक साहब महाराज जी दे सेखी ते सी ना 1532 दे विच लगभग आए महाराज दे कोल, ते 1539 दे विच गुरता गद्दी ते बैठदे ने, और गुरबाणी दा हवाला है सतगुरु कहिंदे ने असी जदों रामकली की वार पढ़दे हाँ ते शब्द है गुर चेले रहरास की नानक सलामत थी वंदै, महाराज ने अपने जिउंदे जी अपने चेले गुरु अंगद साहब महाराज दे अगे नमस्कार कर दित्ती है। तो मैं बेनती करांगा अपनी जे बहुती गल है एक बड़ी प्रचलित जी साखी है साडे देश का जिहड़ा विधान है वो असी पढ़ते हैं ना भी एक लव्या जिहड़ा सी उन्हूं दाखला नहीं सी मिलिया द्रोणाचार्या दे कोल, किसी नूं ये नहीं जो उन्होंने लिखा उन्हां दी गल है, मैं अपने कोलों नहीं बनाई तुसीं सारिआं ने पढ़ी है, उन्हूं दाखला नहीं सी मिलिया भी तैनूं असी दाखल नहीं करना, क्योंकि वह कहिंदा सी भी मैं इन्हां नूं ही सिखाउणा पांडवां नूं। तो हुण होया कि वह कहिंदा ठीक है नहीं दाखला मिलिया, उहदे विच लगन इन्नी सी भी उहने
द्रोणाचार्या की मूर्ति बना के ही ते ओ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और इन्ना तगड़ा तीरअंदाज हो गया भी अर्जुन के मुकाबले तो भी कितने अगे से। जदों द्रोणाचार्या पता लगा वो बारे उन्हें फिर की किया, जो उन्हें दसिया भी मैं तुहानू अपना गुरु मानता हाँ तो उन्हें कहता भी गुरु तो मानता है, दक्षिणा तो मैनू दिती नहीं, भी महाराज कि दक्षिणा देव, कहते बस तेरा अंगूठा चाहिए है। हुण जिहदे नाल उन्हें कब तीर खिंचना हुंदा सी ना, चिल्ला खिंचना हुंदा सी, उन्हें उही अंगूठा मंग लिया। ये सारिया ने पढ़िया, एक परंपरा गुरु चेले की आ भी चलती है साडे देश दे विच, जिसे दक्षिणा के नाँ के उत्ते जिंदगियां मंग लिया जांदियां ने। ये मैं अपने कोलों नहीं सुना रहा, तुसीं पढ़िया है सारा, एक दक्षिणा दी काम ये भी हुंदा। दूजे पासे एक गुरु की थान के उत्ते चेला आ भी आ रहा है, जिन्हों गुरबाणी कहती है हो रहे गंग बहाई है। साडे देश दे विच ना एक परंपरा चलती है जिन्हों कहिंदे ने उल्टी गंगा बहा देनी, मतलब जो काम दुनिया ने कभी ना किया होवे ना वो काम कर दिता। गुरु नानक साहब महाराज ने मत्था टेक दिता। कि कमाल की गल है, इनू साडे विचारवान इदा कहिंदे हुंदे ने भी एक बार ना जदों गुरु अंगद साहब महाराज, मैं दोबारा गल इत्थे लैके आवांगा, एक बार गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी खडूर साहब विराजे हुए सी, ते संगत आ के वेखना चाहुंदी है भी असीं वेख के तो आईए भी गुरु अंगद साहब महाराज जी भी तुहाडे उत्ते कि गल हो गई, तुहाडे विच की खास सी भी गुरु नानक साहब तुहाडे उत्ते खुश हो गए, भी जिहड़ा गुरु नानक साहब महाराज इदां दा है भी जे सिद्धां दे इलाके दे विच जांदा है तो गुरख मता नानक मता बन जांदा है, जे गुरु नानक साहब महाराज जिहड़ा है वह मक्के वल जांदे ने तो उत्थे महाराज दे सिख बन जांदे ने, जे गुरु नानक साहब बगदाद दे विच जांदे ने उत्थे महाराज जी दे सिख बन जांदे ने, जिथे जिथे जांदे ने दुनिया गुरु नानक साहब के कदमों के अगे झुक जाती है। तो गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ताडे च की खास है भी गुरु नानक साहब ने तुहानू मत्था टेक दिता, तुही कि मेहनत की है। तो गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह कहते मैं बस गुरु नानक की कृपा की मेहनत की है, मैनू बस कुछ नहीं भी मैं कह मेरी बड़ी मेहनत है, नहीं ये तो गुरु नानक की कृपा है। इनू इदा भी बोलते होंगे ने भी कहें भी रिड़दा होया बच्चा कितने रोन लग पवे तो माता की मौज हुंदी है भी चुक लवे, बच्चे च की हिम्मत है भी छाल मार के माता की गोदी के चढ़ जाए, ये तो माता की मौज है ना भी माता ने रोंदे नूं वेख लिया भी चल आ तेनूं चुप करा देवां ते तेरे कपड़े बदल देवां, बच्चा की कर लवेगा। सच्चे पातशाह गुरु नानक ने मेरे उत्ते वह तरस किया, मेरे उत्ते कृपा की है भी चुक के तो मैनूं अपने गल दे नाल ला लिया है, तो मेरे मैं की हाँ। और होया कि सतगुरु जी के बारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे ने, दातार कहिंदे हो रहे गंग वहाई है दुनियाई आख्या के क्यों ना, पंक्ति कढ़ो, दुनिया इस गल नूं आखदी है भी आते उल्टी गंगा महाराज ने वहा दिती है, ते की है नानक ईश्वर जगनाथ उच हद्दी वैण विर क्यों। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जगत दे मालक ने एक उच्ची हद वाला बोल बोलिया है, और की बोल बोलिया है भी भाई जेड़ा उपदेश महाराज गुरु नानक साहब ने दुनिया नूं दिता है, और उहदे विच की कीता, एक मिथिहास की परंपरा है भी देवत्या ने रल के तो समुद्र रिड़किया, तो जो समुद्र रिड़किया तो उन्होंने सुमेर पर्बत वरत्या जां उन्होंने जिहड़ा है वह शेषनाग नूं वरत्या, ये सारी खेड सी। हुण महाराज कहिंदे गुरु नानक साहब ने की कीता, वह कहिंदे ने वेखो कुद गुरु नानक साहब महाराज जी ने माधाणा जिहड़ा है ना वह अपनी सुरत नूं बनाया है, नानक ईश्वर जगनाथ उच हद्दी वैण विर क्यों, माधाणा पर्बत कर नेत्र बासक शब्द रिड़ क्यों, चौदह रतन निकालियन कर आवागमन चिल क्यों। उन्होंने चौदह रतन कढ़े, समुद्र जदों रिड़किया महाराज ने की कीता रब रूपी रतन कढ़े, अपनी सुरत दे विचों कढ़े, कितों बाहरों नहीं रिड़किया महाराज ने, अपनी सुरत नूं रिड़किया है, अपने मन नूं महाराज ने रिड़किया। चौदह रतन निकालियन कर आवागमन चिल क्यों, ते फिर नाल की है कहिंदे उहदे विच वी वेखो किड्डे कमाल दी गल होई, कुदरत इह वेखालियन जिण एवड पिड ठिण क्यों। सानू वेखण नूं इदां लगेगा ना भी महाराज गुरु नानक साहब महाराज जी ने गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दे उत्ते बिठा दिता, नहीं पहलां गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का मन जित लिया है गुरु नानक साहब महाराज जी ने। मैं वार वार बेनती करदा हुंना जे साडा मन ही नहीं जितया, जदों तक साडा मन ही प्रसन्न नहीं होया असीं कित्थे तुर पवांगे उस पासे। कुदरत इह वेखालीअन, असीं एक गाथा पढ़दे हुंदे हाँ भी जिस वेले गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी भाई लहणा जदों आए सी ना गुरु करतारपुर दे विच, वह करतारपुर रहण दे लई नहीं सी आए, उन्होंने अगे चले जाना सी क्योंकि देवी दे दर्शनां लई जांदे हुंदे सी हर साल जथा बना के,
ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵੇਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਦਾ। ਜਿਣ ਐਵਡ ਪਿੜ ਠਿਣਕਿਉਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟਣਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਊਂਡ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਕੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਟਣਕਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚੱਟਣੀ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸਵਾਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਹੈ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੀ ਕਿਉਂ, ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਰ ਜਗਨਾਥ ਉਚਹੱਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰਕਿਉਣ, ਮਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਉਣ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੀਅਨ ਕਰ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਚਿਲਕਿਉਣ, ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਵੇਖਾਲੀਅਨ ਜਿਣ ਐਵਡ ਪਿੱਡ ਠਿਣਕਿਉਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤਰ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਕਿਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਛਤਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? 2 ਸੈਕਿੰਡ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛੱਤਰ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਕਿਉਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਭੋਖ ਕਹਿ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕਹਿ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਘੋਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਖਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋਖ ਕਹਿ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ। ਭਾਈ
सारी उम्मत नूं वेख्या, संगत नूं वेख्या भी कौन है इस थान दे उत्ते जिहड़ा साडी थान दे उत्ते बैठ सकदा है। ते मर्द कहिंदे ने जां सुधोस तां लहणा टिक्यों। जदों सारी संगत दे विचों वेख्या ना ते संगत थोड़ी नहीं सी करतारपुर, बाबे ने अपनी जिंदगी दे विच किन्ने सिख बनाए, उस लैवल दे उत्ते केवल ते केवल गुरु अंगद साहिब ते बाबा लहणा ही पहुँचदा। जां सुधोस तां लहणा टिक्यों। ते मैं एक बेनती कर देवां आप जी दे अगे, ये थोड़ी जी पहलां दी घटना है। महाराज जी ने, गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाबे लहणे नूं गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह नूं भेजिया भी जाओ भाई खडूर साहब जाओ, तो अपने खडूर साहब असीं इस करके कहने भी हुण उहदा नाम खडूर साहब ही कहा जाता है, महाराज जी दे वारी उदों खडूर ही कहा जाता है, गुरबाणी दे विच खडूर ही आया है। और वेखो वो कहिंदे ने भी गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहा भी जाओ अपने जाके तो परिवार को मिल आओ। प्रिंसीपल सरबीर सिंह कहिंदे भी 3 साल हो गए सी, तो गुरु नानक साहब महाराज ने कहा भी अपने परिवार को मिल आओ। परिवार को मिलन गए, जो वापस आए तो वापस आउंदियां कुछ लैके आना सी, संगत दे विच आना है तो मन दे विच ख्याल है। वो कहिंदे एक ना चटाई जिहड़ी सी उह सिर दे उत्ते चुक लई, एक लूण की डली, तुसीं वेखदे होवेगे पहला जिहड़ा लूण मिलदा हुंदा सी उह वड्डियां वड्डियां डलियां दे विच, उह लूण की डली रख ली भी चलो आपां नाल लैके जांदे। वो दुकानदार सी महाराज जी दे जिहड़े पिछला परिवार सी ना गुरु अंगद साहिब महाराज जी दे, दुकानदार सी उह हुण उह सिर दे उत्ते चुक लई। नौकर ने महाराज दे कोल तों कहिंदे भी असीं छड्ड आउने, कहिंदे नहीं मैं खुद लैके जावांगा। वो तुरदे ने ते इधर पहुँच जाते हैं करतारपुर साहब पहुँच जाते हैं। जो करतारपुर पहुँचते हैं तो अगे माता सुलखणी जी बाबा लहणा जी उन्होंने पुछते हैं भी गुरु नानक साहब महाराज कित्थे ने, तो अगो माता सुलखणी कहती भी वो तो खेतों काम करते पे, सीजन पिछे निकल के गया है 2 महीने पहला, वो खेतों काम करते पे ने। तो जो खेतों काम करते पे से तो उत्थे वो कहिंदे भी चलो मैं उत्थे जाके उन्होंने मिलदा। हुण तुसीं भी वेखियो भी जदों बंदा आया होवे ना अपने घर तों गुरद्वारे विच ते बड़े चंगे कपड़े पा के आउंदा, गुरु अंगद साहिब महाराज भी पा के आए सी, ते उह महाराज जी नूं खेतां च मिलन चल गए। ते हुण महाराज अगों बेपरवाह, ते गुरु अंगद साहिब महाराज नूं बाबे लहणे नूं जदों मिले ते महाराज कहिंदे भी आओ साडे नाल काम कराओ। ते हुण कमाल दी गल हो गई, जिहड़ा बंदा दुकानदार हुंदा है, तुहाडे विचों बहुते दुकानदार ही बैठे ने, दुकानदार बंदे को खेती करवा लो पहले साल तो होगी नहीं और पहले दिन तो बिल्कुल नहीं होगी। जिदा खेती वाला दुकान पर बैठ के व्यापार नहीं ना कर सकता, उन्होंने नहीं पता भी गाहक दे नाल किदां डील करना, इदा दुकान वाला खेती भी नहीं कर सकता। हर एक का अपना अपना एक प्रोफेशन हुंदा है, दूजी थान तो दूजा बंदा बिठा दोगे जिन्ना चिर नूं उहनूं काम समझ आउंदा है उन्ना चिर नूं कई साल निकल जांदे ने। इह प्रैक्टिकल ने, तुसीं इहनूं कदी करके वेख लैणा, हर कोई हर सारे बंदे सारे काम नहीं कर सकते। तो उहदे विच जदों महाराज कहिंदे भी आओ साडे नाल काम करो, तो वह धान बीजा होया सी, तो धान दे विचों नदीन कढ़िया जांदा है, घाह कढ़िया जांदा, तो वह जिन्हों बंदे नूं पछाण होवे बूटियां दी उही कढ़ सकदे ने, तो सारे दूजे भी कढ़ देवेगा। वह कहिंदे गुरु अंगद साहिब महाराज ने खेती तो कदी कीती नहीं सी, तो उन्होंने की किया भी वह धान पुट्टन लग पे, नाल ही जिहड़ी चीज़ नहीं सी पुट्टनी ना वह भी पुट्टन लग पे। तो कहिंदे महाराज हस पे, कहिंदे भी नहीं भाई तुहाडा काम पुट्टना नहीं है, तुहाडा काम ते लाउणा है, तुहाडा काम ते जोड़ना है। दुनियावी सोच दे विच इह गल इदां आ जांदी है भी दुनिया अक्सर इदां करदी है, जां ते बिल्कुल ही सारा कुछ ही खाली कर दो, सारा कुछ ही पुट के तबाह कर लो, भी नहीं साडे ते जकीर ही नहीं किसी दे उत्ते, ते जां फिर इन्ने ज़्यादा डुल गए भी फिर की है जे घा उग पिया ते तां वी कोई गल नहीं, इदां नहीं, विचला मार्ग चलना है। ते महाराज जी ने जदों उह सारी खेड वापर गई ते सतगुरु कहिंदे भी भाई तुसीं जाओ, तो सिर दे उत्ते ना एक पंड बन के रख दी, जिहड़ा धान पुट्टिया जाता ना तो पशुआं नूं पा दिता जाता, हुण गिले पानी दे विच उहनूं पुट्टिया गया नाल उहदे गारा चंबड़िया पिया धोता नहीं हुंदा, और जदों उहनूं चुकीदा है सिर दे उत्ते ते उह जे 5 मिंट सिर दे उत्ते चुक के रखीए ना तो उह पानी चोण लग पैंदा उहदे विचों, ते उह पानी साफ नहीं हुंदा, गारे वाला पानी हुंदा, मिट्टी वाला पानी हुंदा। वो फिर जिन्हां बंदियां ने कम कीते ने क्योंकि सिर चलो वेखते रहिंदे आ, वो फिर की आ पहलां सिर ते पंड चुकी है ते सिर तों गारा चुंदा, सिर तो गारा चो चो के तो सारा कपड़ियां दे विच आ जांदा है, तो जिन्हें चंगे कपड़े पाए होणगे उहदा हाल की हो जाएगा, वह तो कपड़ियां नूं चुकाउंदा भी नहीं है, चुकण की तो गल ही बड़ी दूर दी है, हाथ पा के चुकाउंदा भी नहीं भी मेरे कपड़े खराब हो जाने। गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे चुक के तो घर लै जाओ इहनूं। बाबे लहणे ने एक बार नहीं कहा भी सच्चे पातशाह मेरे कपड़े खराब हो जाने ने, जे सिख दे बाल्टी भर के कपड़े खराब हो जाते हैं तो सिख नूं सोचना चाहिए है इस गल के बारे। महाराज जी घर दे विच भेज दिता बाबे लहणे नूं,
जो घर के बच्चे आके पंड सुटी ना तो माता सुलखणी महाराज गुरु नानक साहब पिछे तुरे आ रहे थे तो माता सुलखणी कहिंदे भी वेखो नवे कपड़े पाए से अजे हुणे हुणे ते आया सी तुसी हुणे ही इहनू वेखो किहड़े काम दे विच लाता ते इहदे कपड़े खराब हो गए। अक्सर असीं कहिंदे आ इहनां गल्लां नूं भी तुसी हुणे ही इहदे कपड़े खराब कर दित्ते वेखो जी आ किन्ना इहदे विचों गारा चोर आ। गुरु नानक साहब महाराज कहिंदे भाई तुहानूं इह लगदा है भी इह असल दे विच गारा चोर आ, इह जिहड़ी इहनूं सिर दे ते पंड चकाई है ना इह गारे दी पंड नहीं है, इह घा दी पंड नहीं है, इह ते भाई जिम्मेवारी दित्ती है इहनूं इस चीज़ की। तो ये तुहानू लगता भी यह गारा चोर है तो असल दे विच केसर चोर है, दुनिया नू वेखण नू कुछ भी लगता होवे। हुण ये सिंबोलिक गल्लां हुंदियां ने, सिंबल इस गल दा भी भाई दुनिया नू लगे भी गुरता गद्दी उत्ते बैठण दा मतलब है भी तुसीं गुरता गद्दी उत्ते बैठ गए तो बस लोकीं तुहाडियां लत्तां कुट्टण आ के लोकीं तुहाडे लई चीज़ां चढ़ाउण ते तुसीं चुप करके सारा सारा दिन बस सुते रहो ते लोड़ वेले दुनिया नू उपदेश कर दो ते असीं बाबे बण गए ते आपां गुरु बण गए। नहीं, इदां नहीं है। गुरता गद्दी दा मतलब है कि भाई दुनिया दे विच जाके तुहानू दुनिया दीयां गलतियां दे नाल उन्हां नू जुड़ना पवेगा, उन्हां नू हैंडल भी करना पैना, तुहानू लोकां दीयां मुश्किलां दे विच तुहानू लोकां दे नाल खड़ना पैना है। जे तुसीं इह सोचे भी ओह बंदा मैनू हाथ ना ला देवे तो मैं लिबड़ जावांगा, ओह बंदा गुरता गद्दी कितां संभाल लवेगा, इदां नहीं। महाराज ने इस गल नू समझाया भी दुनिया दे विच विचरना है तो दुनिया दी मुश्किलां दे नाल ते तुहानू सामना करना ही पवेगा। गुरु होण दा मतलब ये थोड़ा भी तुसीं गुरु हो गए तो तुहानू दुनिया दे बारे कुछ पता ही नहीं। महाराज जी ने फिर जदों लगभग 1539 का समा आउंदा है, सतगुरु गुरु अंगद साहिब महाराज जी नू अपनी थां दे उत्ते विराजमान करदे ने, ते मैं आखरी गल कह के समाप्ति करांगा। वेखो ये बड़ी लंबी खेड है, एवें नहीं गुरु नानक साहब महाराज जी की थान उत्ते जिन्हें बैठना है वह कितने एवें दा बंदा तो नहीं होगा। जे गुरु अंगद साहब महाराज नू चुनिया है जिदे उत्ते गुरु नानक साहब प्रसन्न हो जाते हैं वह गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह किदां दे होणगे। इस गल नू थोड़ा जिहा सोच के ते सेवा वाला पासा इदां दा भी कदी मन दे विच आया ही नहीं। जे मैनू किसी ने कह दिता ना भी भाई आ सेवा कर, ठीक है जी इदां कर लवांगे। जे कह दिता भी इधरों हट जा दूजे पासे लग जा, ठीक है जी इदां ही कर लवांगे। और ये भी आप जी दे अगे मैं गल रख देवां जिन्हों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के विचों पढ़ते हाँ। जिस वेले गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए, महाराज गुरु नानक साहब महाराज ने कहा भी तुसीं खडूर साहब चले जाओ। फेर वसाया फेर वण सतगुरु खाडूर, बाबे फेरू दे पुत्र गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह ने खडूर साहब वसा दिता। तो महाराज जी जो तुसीं खडूर साहब आए तो तुसीं की लै के आए नाल? भी गुरु नानक साहब महाराज की जायदाद लैके आए भी करतारपुर साढ़े बाबे ने वसाया तो उस थान पर मैं बैठा तो मैं करतारपुर के हिस्सा चाहिए? नहीं, लैके आए सारा कुछ सतगुरु छड आए उत्थे। महाराज खडूर साहब आ गए, तुसीं दर्शन किए होंगे अस्थान के। फेर वसाया फेर वण सतगुर खाडूर, जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर। सच्चे पातशाह होरना पदवी मिलती है तो हंकारी हो जाते हैं। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह तुहानू गुरता गद्दी मिली तो तुहाडे कोल जप है, तुहाडे कोल संजम है, तुसी गुरता गद्दी पा के भी कदी ये गल नहीं कही भी मैं बड़ा उच्चा तो मैं बड़ा वड्डा। लब विणा है मानसा जो पाणी बूर, जिस तरीके दे नाल जाला जिहड़ा हुंदा ना वह काई पाणी नू बर्बाद कर देंदी है ना, इदां जिहड़ा लब हुंदा है ना भी आ भी इकट्ठा हो जाए आ भी इकट्ठा हो जाए यह बंदियां दी जिंदगी बर्बाद कर देंदा है। वरिया दरगाह गुरु की कुदरती नूर, सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहिब महाराज तुहाडे घर दे विच रब दा नूर वरसदा पिया है, रब्बी रहमतां तुहाडे घर दे विच वरसदियां ने, ते किन्नी शांति है तुहाडे कोल। जित सो हाथ ना लब्भई तूं ओह ठरूर, तूं इन्ना ठंडा है गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह, इन्ना शांत है भी जिहदी डूंघाई नहीं लभ सकदी। ते फिर नाल महाराज कहिंदे ने नौ निद नाम निधान है तुद विच भरपूर, तेरे पल्ले नाम जिहड़ा है ना नौ निधियां दा खजाना वह तेरे विच भरिया पिया है। निंदा तेरी जो करै सो वंजै चूर, गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जिहड़ा तेरी निंदा करदा है ना वह अपनी आत्मक मौत आप सहेड़ लैंदा है। क्यों? नेड़ै दिसै मात लोक तुद सुझै दूर, और दुनिया नूं ते हुण दा ही सुझदी है ना, मात लोक दी सुझदी है, तुद सुझै दूर। सच्चे पातशाह तेनों ते परलोक दी भी सारी जानकारी है, तेनों ते आउण वाले समें दी भी जानकारी है। नेड़ै दिसै मात लोक तुद सुझै दूर, फेर वसाया फेर वण सतगुर खाडूर। सतगुरु कहिंदे इदां गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी ने खडूर साहिब वसाया।
महाराज जी ने गुरता गद्दी दे उत्ते 39 तो लैके ते 52 तक का जिहड़ा समा वह बतीत किया है। ये लगभग जिहड़ा है ये 13 साल का समा बनता है, 12-13 साल का, जिदे विच बच्चों नू गुरमुखी सिखाउण दा, पंजाबी सिखाउण दा जिहड़ा काम है वह महाराज ने स्पैशल कायदे तैयार किए कि बच्चों नू, क्योंकि जो गुरबाणी लिखी गई है तो उन्होंने पढ़न दे लई सानू पंजाबी आउणी जरूरी है। महाराज ने स्कूल शुरू किए ने, तो तुसी खडूर साहब जाओगे, खडूर साहब के गुरद्वारे का जिहड़ा मेन गुरद्वारा साहब है ना, वो बिल्कुल ही दरबार साहब के नेड़े ही गुरद्वारा मल अखाड़ा साहब है। महाराज जी ने सिर्फ ये नहीं भी पढ़ाई पल्ले होवे तो शरीर भावें बीमार ही हो जाए, नहीं, महाराज ने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए मल अखाड़े, मल का मतलब होंदा है पहलवान, अखाड़ा मतलब जिथे वो रैसलिंग जिहड़े कोर्ट होंदे ने, सेंटर होंदे ने, जिथे वो बैठ के ते प्रैक्टिस करदे ने अपनी, महाराज ने वो अस्थान कायम किए। हुण तुसी इस गल नूं खुद सोच के वेख लो, जिथे पहलवान होंदे ने उत्थे खुराक किदां दी होंदी है, माड़ी मोटी खुराक खा के तो पढ़ते नहीं ने ना। इस करके पढ़ाई वाला पासा भी सिरे दा, पढ़ाई भी करनी है, पर अपनी फिजिकली फिटनेस दे वल सब तो पहले नंबर दे उत्ते ध्यान रखना है इस गल दा। दूजा अपनी खुराक, सतगुरु जी दी बाणी दे विच्चों असीं जदों पढ़ते हाँ ना, नित रसोई तेरी है घिओ मैदा खाण, ये गुरु अमरदास साहिब महाराज जी दे बारे है। लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर क्याली, घ्यो वाली खीर सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब महाराज जी तुहाडे दरबार दे विच वरतदी है। तुसी लंगर दा लैवल वेखो भी लंगर किन्ना पौष्टिक है उस वेले। मैं ये नहीं कहिंदा भी सिर्फ ताकत वाले पासे तो है, जे महाराज ने शरीरक ताकत दित्तियां ने ना, तो महाराज ने लंगर का भी एक लैवल रखिया भी जो छकना है वो विचों छक के भी बंदे नू तंदुरुस्ती मिले, तृप्ति मिले। ये चीज़ां गुरु अंगद साहब महाराज ने कीतियां ने। फिर सच्चे पातशाह जी ने गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी नू जिहड़े इन्हां दे शरण दे विच आउंदे ने, अगे आ के सेवा करदे ने, उन्हां नू गुरता गद्दी दे उत्ते विराजमान किया है। कुछ क गल्लां गुरु अंगद साहब महाराज जी दे जीवन दे विचों, उन्हां दी गुरता गद्दी दे संबंध दे विच असीं विचारियां ने। सतगुरु कृपा करो सानू महाराज जी अपनी सेवा दा बल बख्शण, सेवा दी दात बख्शण, ते महाराज जी दे दसे रस्ते दे उत्ते चल सकीए। आप जी दे चरणां दे विच मेरे पासों बेनती करदिआं होईआं भुल्लां दी खिमा फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।